वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में इन्वेस्टमेंट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट के टॉपिक से रिलेटेड जो स्टडी टेक्स्ट के चैप्टर में एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2017 द पावर टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन अ कंपनी रेस्ट विद द, अच्छा अब इसमें कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट है एसोसिएटेड कंपनीज में जो कि एक स्पेशल सिचुएशन है उसमें तो स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, वरना जो नॉर्मल कंपनी में इन्वेस्टमेंट की पावर है वो डायरेक्टर्स के पास होती है। सो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी करेक्ट आंसर होगा। हाँ अगर यहां पर मेंशन होता कि इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड कंपनीज या अंडरटेकिंग में है तो फिर हम मेंबर्स के पास ये बात ले जाते, मेंबर्स की बात करते और स्पेशल रेजोल्यूशन से करते। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी कैन नॉट बी मेड बाय द डायरेक्टर्स देमसेल्फ, दे विल हैव टू गेट इट्स अप्रूवल फ्रॉम, तो मेंबर से अप्रूवल लेना होता है, तो यहां तो सारों में मेंबर लिखा हुआ है और मेंबर्स जो हैं वो जहरी बात है अप्रूवल देते हैं जनरल मीटिंग में, तो ये जो लिखा हुआ ना क्लास मीटिंग बीओडी मीटिंग ये तो गलत है। मेंबर्स की जो मीटिंग होती है वो जनरल मीटिंग होती है, तो मेंबर्स होंगे जनरल मीटिंग होगी और स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट। सो ऑप्शन सी में सारी बात ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीइंग अ सेपरेट लीगल पर्सन अ कंपनी कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन एनी अदर कंपनी और सिक्योरिटी बट ऑल द इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी मस्ट बी मेड एंड हेल्ड, तो वो कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी के अपने नाम पर होना चाहिए इन द नेम ऑफ कंपनी इटसेल्फ। ये जो चेयरमैन स्पॉन्सर कंट्रोलिंग शेयर होल्डर डायरेक्टर ऑफिसर ये इन पे नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन अलग बात है, बेसिक रूल ये है कि कंपनी के अपने नाम पर होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी शैल नॉट मेक एन इंक्रीज इन अमाउंट और एनी वेरिएशन इन द नेचर एंड टर्म्स ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज विदाउट पासिंग, अच्छा अगर आप अमाउंट चेंज करना चाहते हैं एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट के अंदर या उसकी टर्म्स चेंज करना चाहते हैं नेचर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर्स पास करते हैं जनरल मीटिंग में, तो बोर्ड मीटिंग और क्रेडिटर मीटिंग तो गलत है, स्पेशल रेजोल्यूशन होनी चाहिए और जनरल मीटिंग में होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रजिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी नॉट हेल्ड इन इट्स ओन नेम इज ओपन टू इंस्पेक्शन फॉर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, अच्छा मेंबर्स ऑफ द कंपनी के लिए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बाकी लोगों को उसमें पेमेंट करनी पड़ती है और कम से कम 2 घंटे अलाउड होता है पर डे, तो कंपनी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, लेकिन ऐसी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि उसके बावजूद एटलीस्ट 2 आवर्स जो हैं वो मेंबर्स को अलाउ हो रहे हों, तो इसमें ऑप्शन ए ही ठीक है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो और फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी मेंबर मे रिक्वायर अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट हेल्ड इन द कंपनीज नेम ऑन फी फिक्स बाय द कंपनी, बिल्कुल कर सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज रिक्वेस्टेड शैल बी इशूड, इसमें टाइम पीरियड है विद इन 7 डेज का, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो। द टर्म इन्वेस्टमेंट शैल इंक्लूड, अच्छा अब जो इन्वेस्टमेंट की टर्म है इसमें लोन भी शामिल होता है, एडवांस भी शामिल है, इक्विटी भी शामिल है और गारंटी भी शामिल है, अच्छा अब यहां पे गारंटी नहीं लिखा हुआ लेकिन ये कि ये तीनों तो शामिल हैं, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा, लेकिन डेफिनेशन में वर्ड गारंटीज भी है, नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट शामिल नहीं होता। क्वेश्चन है कि अनस असदुल्ला अमीन एंड अरकम आर फाउंडर पार्टनर्स ऑफ फास्ट मूवर्स फॉरवर्डर्स इन जनवरी 2020 ऑल पार्टनर्स हैड परचेज शेयर्स ऑफ क्वालिटी टाइल्स लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी इन जून 2020 दे कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ QTL एंड गॉट इलेक्टेड एज डायरेक्टर्स आउट ऑफ 7 पोजीशन, तो ये देखें ये लोग 4 हैं और टोटल 7 पोजीशन थी तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर तो यही बन गए। Being majority directors of QTL, they cancelled the contract of existing logistic service provider and awarded the contract to FMF. FMF कौन सी है? जिसमें वो partners हैं. तो whether the aforesaid contract is valid?
अच्छा, अब इसमें बात यह है कि ये खुद तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर नहीं सकते, इसमें इनका इंटरेस्ट है। क्योंकि वो फास्ट मूवर फॉरवर्डर्स के अंदर पार्टनर्स हैं, तो जिस अगर एक जो डायरेक्टर है वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर हो या किसी पार्टनरशिप में पार्टनर हो, तो वो आपकी वहां पर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना जो है वो इंटरेस्टेड समझा जाएगा। तो यहां पे और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं। जहां पर कोई एक डायरेक्टर हो तो उसके लिए तो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट की रिक्वायरमेंट है। जहां मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हों वो तो फिर जनरल मीटिंग से अप्रूवल लेना होता है, वो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो अकॉर्डिंगली अब हम आंसर देखते हैं कि येस बिकॉज इट इज अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर। नहीं, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर तो उसे अप्रूव कर ही नहीं सकते, तो ऑप्शन ए तो ठीक नहीं होगा। नो द कॉन्ट्रैक्ट नीड टू बी अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ सच डायरेक्टर्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, जब मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो गया ना, तो मामला जनरल मीटिंग में चला जाएगा, इसलिए डायरेक्टर्स वाली बात अब खत्म हो गई। सी एंड नो द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लेड बिफोर द जनरल मीटिंग फॉर अप्रूवल, ये करेक्ट है। और डी एंड नो द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी अप्रूव बाय जनरल मीटिंग एज वेल एज बाय द कमीशन। तो एससीसीपी की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, सिर्फ जनरल मीटिंग की रिक्वायरमेंट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द पर्सन मे एज अ डायरेक्टर टेक पार्ट इन द डिस्कशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू बी एंटर्ड इनटू ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इवन इफ ही इज एनी वे कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड। कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड है, लेकिन क्या वो डिस्कशन में पार्ट ले सकता है ऑन जिसमें वो इंटरेस्टेड है कंसर्न्ड है? तो इफ ही इज द डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी विच, ये एक एक्सेप्शन है। अच्छा, नॉर्मली तो वो हिस्सा नहीं ले सकता। जो एक्सेप्शन है कि अगर वो ऐसी कंपनी में डायरेक्टर हो जो प्राइवेट कंपनी है, जो ना बेसिकली सब्सिडरी है ना होल्डिंग है किसी पब्लिक कंपनी की, तो ऑप्शन डी जो है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। बाकी जो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं वो या तो इनकम्प्लीट हैं या इम्प्रॉपर हैं, क्योंकि जैसे एसोसिएटेड अंडरटेकिंग वाला नहीं है, और ए और बी में एक एंगल लिखा हुआ है, एक में सब्सिडरी लिखा हुआ है, एक में होल्डिंग, दोनों बातें। नीदर अ सब्सिडरी नॉर अ होल्डिंग कंपनी ऑफ पब्लिक कंपनी। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन 10 है कि केएलएम लिमिटेड इज कंसीडरिंग अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इन विच मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा, अब बात यह है कि जहां पे मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो और वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो, तो वहां पर जो है वो जनरल मीटिंग के सामने मामला रखा जाएगा और उसका अप्रूवल भी एज स्पेशल रेजोल्यूशन करवाना लाजमी होगा, ये रिक्वायरमेंट है। तो इसमें अब हम देख लेते हैं कि आंसर क्या है। पहला है कि इफ द ट्रांजेक्शन इज इन अकॉर्डेंस विद पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ केएलएम लिमिटेड इट नीड नॉट बी अप्रूव्ड इन जनरल मीटिंग, ये तो गलत हो गया क्योंकि उसका अप्रूवल तो लेना पड़ेगा हमें और स्पेशल रेजोल्यूशन से लेना पड़ेगा। दूसरा है कि जी द मैटर मस्ट बी प्लेस बिफोर द जनरल मीटिंग फॉर अप्रूवल एज स्पेशल रेजोल्यूशन, दिस इज करेक्ट, ये हमारा आंसर होगा। तीसरा देख लेते हैं कि उसमें इशू क्या है। द मैटर मस्ट बी प्लेस बिफोर द जनरल मीटिंग फॉर अप्रूवल एज ऑर्डनरी रेजोल्यूशन, तो इसमें ऑर्डनरी रेजोल्यूशन वाली बात गलत है। डी है कि सच ट्रांजेक्शन आर एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड अंडर द कंपनीज एक्ट एंड ऑल इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स शैल बी लायबल टू पेनल्टी इन केस सच ट्रांजेक्शन इज कैरिड आउट वेदर विद और विदाउट अप्रूवल। नहीं, लॉ ने एक बकायदा रखा हुआ है इसमें रूल कि बाज़ुकात कंपनी के इंटरेस्ट में हो सकता है। अगर देखें स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रही है तो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो हैं शेयर होल्डर्स हैं वो कंसीडर कर रहे हैं कि इसमें कंपनी का फायदा होगा, तो वो उस ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें मुकम्मल तौर पर प्रोहिबिटेड नहीं है, तो ट्रांजेक्शन की जा सकती है लेकिन उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। तो ऑप्शन डी अप्रोप्रिएट नहीं है, ऑल्दो के ऑप्शन डी की वर्डिंग इस तरीके से बनाई गई है कि काफी हद तक ये बात ऐसे लगेगा कि इसको ठीक होना चाहिए, बट इट इज नॉट। सही कॉन्सेप्ट ये है कि ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।